मॉर्निंग टू एवरी वन हु इज़ हेयर टूडे लर्न समथिंग न्यू एंड चेंज इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. सो वॉट एग्जैक्टली सक्सेस इज एंड वाई इज एवरी वन इज चेंजिंग इट. वी आर लिविंग इन द टाइम वेन एवरी वन वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल. दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ. इट कुड बी टू क्रिएट द ड्रीम जॉब और टू डू वेल इन स्कूल. द पॉइंट आई वॉन्टेड टू मेक दिस अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि बहुत से लोगों का सक्सेस अलग अलग होता है. सबका सक्सेस अलग. किसी को ड्रीम जॉब चाहिए होती है, किसी को ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाना होता है, किसी को ट्रैवलिंग पसंद होता है. तो उसके लिए वो उसका सक्सेस है, उसको वो सक्सेस चाहिए कि वो ड्रीम जॉब कर सके या वो ड्रीम सीईओ बन सके, कंपनी का सीईओ कोई कंपनी का बन सके या कोई अपना खुद का स्टार्टअप बिजनेस कर सके. ये होता है ड्रीम. तो वो एक इंसान की और दूसरे इंसान की अलग हो सकती है और किसी की कुछ हो सकती है. फॉर एग्जांपल मेरी सक्सेस है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो ये मेरी सक्सेस है. बट अंबानी जी की एक अलग सक्सेस है. वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस दिन पे दिन ग्रो करे, बिल्ड करे और मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स में वो अर्न करें. ठीक है, ये उनकी सक्सेस है. द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू विल हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस देन यू. जो आपके बाजू में बैठा है उसकी एक अलग डेफिनेशन होगी सक्सेस को लेकर और आपकी एक अलग डेफिनेशन होगी. सो सक्सेस कभी भी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है. सक्सेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं है. सबकी लाइफ की एक अलग सक्सेस है और वो सक्सेस सबके लिए डिफरेंट है. सक्सेस कैन बी मुझे सीईओ बनना है, एप्पल कंपनी का मुझे सीईओ बनना है. फॉर एन एग्जांपल हम कहें जब उस कंपनी में एप्पल कंपनी में सीईओ बन जाऊँगा, मेरी सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, मुझे मैंने जो सक्सेस मैंने जो ड्रीम देखा था वो मैंने पूरा किया, मेरा जो गोल था मैंने पूरा किया, मुझे उस टाइम पे जो खुशी होगी मैं उसको सक्सेस बोलता हूँ. सक्सेस मैं इस मेरी लिए वो डेफिनेशन सक्सेस है. आपके लिए अलग हो सकती है सक्सेस की डेफिनेशन, उसमें कोई दो राय नहीं है. मैंने जैसे आपको बोला पहले ही, मैं उसको बोलता हूँ सक्सेस. सक्सेसफुल हर इंसान ये नहीं बोल सकते कि मैं सक्सेसफुल हूँ. कोई इंसान बोलता है मैंने बिजनेस मैंने ये कर लिया तो मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, मैंने वो कर लिया, उसके लिए वो सक्सेस है, मेरे लिए ये सक्सेस है. सबके लिए अलग अलग सक्सेस होती है. ओके, पर उनकी सक्सेस होती है कि वो अच्छे मार्क्स लाएँ. वो जैसे मैं भी स्कूल में था तो मुझे भी मेरे भी ड्रीम्स थे कि मैं एक अच्छे मार्क्स लाऊँ, मैं एक क्लास का ब्राइट स्टूडेंट कहलाऊँ. बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट था नहीं, तो स्कूल्स में तो मुझे ऐसा कुछ था नहीं. ठीक है, वो तो जाने देते हैं. वी टेल यू दैट द रोड टू द सक्सेस इज नॉट ईजी एंड इफ इट वर एवरीवन वुड हैव सक्सेस, सक्सेस इज ऑल्सो नॉट एंडेड इन सिंगल डे और अ सिंगल नाइट. मैं सक्सेस के बारे में बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ. मेरे लिए सक्सेस की एक लाइन है. सक्सेस बोले तो मतलब एक दिन में तो नहीं, पर एक दिन ज़रूर मिलेगी. ये माइंड में आप थॉट हमेशा बैठाएं रखो. जब भी आपको लाइफ में डिफ़िकल्टीज आएँ, प्रॉब्लम्स आएँ, आप डिप्रेशन में हो रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाऊँगा, तो ये इस दिन में ज़रूर रखना है. एक दिन में तो नहीं, पर एक दिन ज़रूर मिली कि जो उसने अपनी ज़िंदगी में सेक्रीफाइसेस की हैं, जो उस बंदे ने कितना सेक्रीफाइस तुम करते हो उतनी ही तुम सक्सेस को उतना ही तुम्हें बड़ा सक्सेस मिलता है. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है सेक्रीफाइस का, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर सक्सेस. सेक्रीफाइस जानना ज़रूरी कि मुझे किस टाइप के सक्सेस का के लिए मुझे कैसा सेक्रीफाइस करना होगा. मैं बिलीव करता हूँ कि अगर हमें खुद से हमारी ज़रूरत हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अचीव करनी है लाइफ में, तो आई डोंट मीन गिव अप थिंग्स फॉर योर ब्रेन फंक्शनल प्रॉपरली. If you want to get good grades in school, you must give up playing video games and watching television. You can engage in enjoyable activities when you have time, rather than what your exams are approaching. It is critical to devote the time to the study when necessary. The next most important things to have in order to be successful lie in a solid plan for achieving your goal. The student must plan carefully in order to achieve their objectives and achieve great things. A blueprint is required. Blueprint is required. For example, a blueprint. Why I'm telling a blueprint? First of all, you just get to know about whenever we are building any building, when we are designing any building, we just need to be a
blueprint, because without blueprint a civil engineer this kind can't work. So for before any success, before any goal, you just have to make a blueprint of your goal, your creativity, that how you going to invest that time by to get the goals, which is accomplished by creating a goal timetable. It's called the timetable. What timetable are you making in your life? For an example, in the early morning, what time you are waking up, what time you are breakfasting, what time you get ready and go to your work. For go to your work. A person who is doing a job, what time a person is going to his job, what time a person is a businessman, what time is a person is doing going to his offices, what time a person, if a children is there, what time they are waking up and they are going to the school for the studies. So this timetable you have to make it in advance, and the blueprint of each and every steps which makes you to earn that goal, then you have to make it. That jo bhi bade log hain, pehle jo agar main aapko bata dena chahta hu ki Ambani, Mukesh Ambani ji, ya fir Elon Musk, ya fir Tata ji, ya fir aise bade bade main naam aapko bata deta hu, wo sab फालतू के कामों में नहीं रहते हैं. वो नई नई स्किल्स, नई 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 चीज़ें सीखते हैं, ताकि जो कि उनको फ्यूचर में जाके फ़ायदा करे. आप लोगों ने बहुत बड़ा नाम सुना होगा Elon Musk, वो दुनिया टाइटल ऑफ वर्ल्ड रिचेस्ट मैन टुडे. आप लोग फील करो उस चीज़ को. आई एम नॉट फोर्सिंग कि आप क्या बोलते हैं इसके Elon Musk के जैसा. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट हाउ ही हैज मैनेजेड हिज टाइम, हाउ ही हैज गिवन his things to his life in the new things. He is upgrading himself in a daily basis. He is doing new activities, new skill he is learning, he is investing new, he is inventing the new things. And that's why, that's because of all his hard work, after 20 years he got the title of world richest man today. All I wanted to say has to be a nightmare only. I want you to be the dream which you have seen in the night or the day. You have to fulfill that dream. It is very important for you to be a successful, your desire in future. So that's because of that you have to, today you have to get through all the stuff, make it take a paper and add to your notes, and make a timetable, make an each and every possible way that how you will going to be successful. Many people avoid taking risks because they are the failure, they are afraid of failing. And these are the people who never achieve success in life. A risk taker is always a person who has achieved in their life and got the title of the person who is a successful person. For an example, I can tell you about the Steve Jobs, who invented the app. Interested in the online things, you please contact me. I will teach you how to earn the money from online. We have a way from internet we can get to paid, okay? So don't be afraid if you are not doing anything and you don't have a shy. You just have to be earn more. I will going to teach you that how we can earn it from online. Do not to be afraid of failure, and always remember to move forward and learn from your mistake. You always have to learn what you had done before when you have done the mistake. You have to learn it from your mistakes only. The other person, they can only motivate you to do that, but only you can get more done from your mistake. Okay, so to conclude this speech, I would like to emphasize the importance of success in the person life. It is critical to be a successful if you want to be recognized by the rest of the world. But keep in mind, success is not the end of your life. Many persons says that I got the success, maintain that success in order. And if you get successful and then you just don't have to do it, it will all collapse. Sab gir jayega. I'm telling you, jo aapne building banaya hai na, wo sab gir ho jaye. To aap ye mat soche ki ab mujhe kuch nahi karna hai. Ab aapko usko maintain karna hai. Maintain karne ke liye aapko wo willing power chahiye, aapko wo log chahiye jisse aap wo cheez maintain kara sakte ho. To hamesha yaad rakhna कि सक्सेसफुल होने के बाद हमें रुकना नहीं है. अगर हम रुक जाते हैं तो हम एक दिन कोलैप्स कर जाएंगे, और जब कोलैप्स करेंगे तो ये मैं भी ये बात मानता हूँ कि एक बार ही गॉड हमें चांस देता है. अगर हम उस चांस को ले लेते हैं तो हम आगे सक्सेसफुल बन जाते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं. लेकिन अगर वो हम चांस खो देते हैं तो फिर हम नहीं रहते हैं.
सो डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने एफर्ट्स कितने लगाते हो, अपने अपने टाइम को कैसा यूटिलाइज करते हो। आप अपने टाइम को जितना यूटिलाइज करोगे, आप अपने टाइम को जितना वैल्यूएबल बनाओगे, आप जितनी नई नई चीज़ें सीखोगे उतना ही आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे। मैं नहीं बोलता हूँ कुछ भी नई नई चीज़ें सीखो, मैं बोलता हूँ आप जो अपनी अपने लाइन में हो, मतलब आप जो अपनी चीज़ों में कर रहे हो, फॉर स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स वाइल वर्किंग ऑन योर गोल, प्लीज़ एंजॉय योर लाइफ। आई एम अ टाइम सक्सेस। इफ़ यू पुट इन इट एफर्ट, सक्सेस विल कम टू यू। इसमें आप सक्सेस बिल्कुल आपके पास आएगा, मैं यही कहना, सक्सेस आएगा, बट इसमें आपको अपनी फैमिली, अपने लोग, अपने सबको लेके आगे बढ़ना है। आप अकेले आगे बढ़ोगे उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। आपको जब सुबह उठना है तो आपको ये सोचना है कि आज मुझे लाइफ में कुछ बेहतर करना है कल से। अगर आप अपनी लाइफ कल से भी बेहतर 1% भी कर दिए, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपने सक्सेस को एक कदम आगे चल लिया है। 1% डेली का ना बहुत बड़ा चेंज लाएगा। मैंने आपको बोला था ना कि एक दिन में तो नहीं, पर एक दिन ज़रूर होगा।